में आसाम में हर लोगों को पेट्रोल प्रति लीटर 98 रुपीस में मिलता है, 98 रुपीस। और जिसका पास गूगल है तुरंत गूगल कीजिए गुवाहाटी का पेट्रोल प्राइस क्या है और जयपुर का पेट्रोल प्राइस क्या है। ये मेरा थोड़ा सा आश्चर्य लगा, किसलिए एक दो रुपया गैप हो सकता है। हम हैं उत्तर पूर्व का सीमा ऊपर, दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर, और हमारा वहां में पेट्रोल मिलता है 98 रुपीस में, और राजस्थान में पेट्रोल का भाव है 108 रुपया। फिर मैंने सोचा चलो कुछ पेट्रोल में हो सकता है कुछ गड़बड़ी है, डीजल का दाम कितना है राजस्थान में। तो मैंने देखा डीजल का दाम राजस्थान में 93 रुपीज 40 पैसा है और असम में डीजल मिलता है 90 रुपीज में। तो डीजल में भी 3 रुपया हम लोगों को कम पैसा देते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं मेरा कुछ गलती हो सकता है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी मेरा चेयरमैन को बोला कि तुम कंपेयर करो राजस्थान और असम का इलेक्ट्रिसिटी भाव कितना है। तो उन्होंने मुझको बोला सर हमारा भाव राजस्थान से कम है, मेरा पास पूरा सूची है। आप देखिए अगर राजस्थान में डीजल का दाम भी ज्यादा है, पेट्रोल का दाम भी ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का दाम भी ज्यादा है, फिर आपका यहाँ इन्फ्लेशन कितना होगा। असम में हर लोगों को पेट्रोल प्रति लीटर 98 रुपीस में मिलता है, 98 रुपीस। और जिसका पास गूगल है तुरंत गूगल कीजिए गुवाहाटी का पेट्रोल प्राइस क्या है और जयपुर का पेट्रोल प्राइस क्या है। ये मेरा थोड़ा सा आश्चर्य लगा, किसलिए एक दो रुपया गैप हो सकता है। हम हैं उत्तर पूर्व का सीमा ऊपर, दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर, और हमारा वहां में पेट्रोल मिलता है 98 रुपीस में, और राजस्थान में पेट्रोल का भाव है 108 रुपया। फिर मैंने सोचा चलो कुछ पेट्रोल में हो सकता है कुछ गड़बड़ी है, डीजल का दाम कितना है राजस्थान में। तो मैंने देखा डीजल का दाम राजस्थान में 93 रुपीज 40 पैसा है और असम में डीजल मिलता है 90 रुपीज में। तो डीजल में भी 3 रुपया हम लोगों को कम पैसा देते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं मेरा कुछ गलती हो सकता है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी मेरा चेयरमैन को बोला कि तुम कंपेयर करो राजस्थान और असम का इलेक्ट्रिसिटी भाव कितना है। तो उन्होंने मुझको बोला सर हमारा भाव राजस्थान से कम है, मेरा पास पूरा सूची है। आप देखिए अगर राजस्थान में डीजल का दाम भी ज्यादा है, पेट्रोल का दाम भी ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का दाम भी ज्यादा है, फिर आपका यहाँ इन्फ्लेशन कितना होगा।